स्वाइप पढ़ के बनो ब्रेन बाजी के तुम नवाब। द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रेन बाजी। हेलो and welcome to another edition of the Times of India BrainBaazi quiz, the easiest quiz to win. Amar naam Sukriti. Hun tvanu 9 sawal puchhange. Prati prashna ku mudu empikalu untai je tusi sare sahi jawab dete te tusi 50,000 vichu apna share jit jaoge. Wah, ami 9ta prashno aajke edition of the Times of India theke jigesh korbo. इंटरेस्टिंग ना, इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सेकंड में मैंने आपको हिंदुस्तान की बहुत सारी लैंग्वेजेस से वाकिफ करवाया। एंड यू नो व्हाई आई डिड दिस, बिकॉज आज है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, सो हैप्पी टू यू। एंड दिस इज व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट यार। इंडिया में कितनी सारी मदर लैंग्वेजेस हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बट अभी आप और मैं मिलकर पूरे हिंदुस्तान से खेलेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रेनबाजी क्विज, द इजीएस्ट क्विज टू विन। और अगर आप सारे 9 सवालों के जवाब अच्छे से देते हैं, देन यू टेक बैक योर शेयर ऑफ 50,000 रुपीज राइट देयर ऑन योर स्क्रीन। क्या बात है, सारे क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट, बट क्वेश्चन 7 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट्स कॉल्ड द एजेंट राणा सवाल। यानी इस सवाल को आप तब भी अटेम्प्ट कर पाएंगे पूरे हिंदुस्तान से अगर आप गेम में नहीं है, और बिना लाइफ यूज करे सही जवाब दिया तो एक फ्री लाइफ आपको एकदम प्रदान मैं कर दूंगी। ऑलराइट, सो विदाउट फर्दर अडू, अगर आपने आज का एडिशन ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा है तो ये तो आपके लिए एकदम केक वॉक होगी। ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। मेरे साथ खेलेंगे 24,000 से ज्यादा लोग, ऑलमोस्ट 25,000 पीपल। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन ये रहा। ILNFS जो कि एक इंडियन कंपनी है, उसमें व्हाट डस एल स्टैंड फॉर, लिमिटेड, लीगल या लीजिंग। वैसे ये क्वेश्चन देखने में काफी इजी लग रहा है नहीं, फुल आपको लग रहा है फुल फॉर्म ही तो है, बट थिंक अबाउट इट, न्यूज़पेपर में फुल फॉर्म पे बहुत कम लोग ही नजर डालते हैं। हाँ, डाला करिए, कॉज हम क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेते हैं। वैसे ILNFS न्यूज में इसलिए है क्योंकि इस कंपनी को प्रोब किया जा रहा है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, और इनके पास ऑलमोस्ट डेट है ऑफ 91,000 करोड़। बट ये है क्या, व्हाट इज द फुल फॉर्म, यही आपको बताना था। द आंसर्स आर इन एंड द राइट आंसर इज लीजिंग। दैट्स राइट, ओ माय गॉड, ओनली 8,135 पीपल गेटिंग दिस वन राइट, ऑलमोस्ट 12,000 पीपल गेटिंग दिस क्वेश्चन इनकरेक्ट। यानी ये बन जाता है हमारे आज के गेम का, आई डोंट बिलीव दिस, पहले ही क्वेश्चन पे गब्बर सवाल। ऑलराइट, वैसे इसका फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ। इसका फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, यही आपको बताना था। बहुत सारे लोग लिमिटेड के साथ कंफ्यूज कर गए। Not reading the newspaper carefully. What are you doing, yeah? Question number 2 पे बढ़ते हैं। 15,000 से ज्यादा लोग स्टिल इन द गेम। ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन 2 ये रहा। इंडियन गवर्नमेंट कौन सी इंडस्ट्री में 1.06 लाख करोड़ रुपीज पंप करेगी टू स्ट्रेंथन इट। ओह माय गॉड, दैट्स अ बिग अमाउंट। बैंकिंग, रियल एस्टेट या फिर हेल्थ। वैसे गवर्नमेंट ने दिसंबर में, पिछले साल दिसंबर 2018 में, पार्लियामेंट में ये प्रपोजल दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो आप याद करिए कि किस इंडस्ट्री में इतना पैसा पंप करने का प्रपोजल हुआ होगा। राइट, लाइक इफ यू रेड द टाइम्स ऑफ इंडिया आज का, यू शुड नो दिस। वैसे दिसंबर में द गवर्नमेंट हैड इंजेक्टेड 28,615 करोड़ इंटू 7 banks, एंड विद दैट मैंने आंसर दे दिया है। द राइट आंसर इज बैंकिंग। दैट्स राइट, 11,000 से ज्यादा लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या बात है यार, वेरी वेरी गुड। वैसे अब तक गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड 1,958 करोड़ आउट ऑफ द 1.06 लाख करोड़, मतलब आधे से ज्यादा पैसा उन्होंने मतलब दे दिया है। 524 पीपल यूजिंग देयर लाइव्स ऑन दिस क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 3 मेरे साथ खेलेंगे 12,000 से ज्यादा लोग। 26,000 पीपल स्टिल वॉचिंग द गेम, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन 3 ये रहा। वन कंट्री टू सिस्टम्स कौन से कंट्री की पॉलिटिकल पॉलिसी है रिगार्डिंग ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम या चाइना। वैसे वन कंट्री टू सिस्टम ये है क्या, मैं आपको बता देती हूँ। इस कंट्री का प्रपोजल है टू अब्सॉर्ब ताइवान इनटू द मेनलैंड बट अलाउ इट टू कीप सम ऑफ इट्स फ्रीडम्स। हाँ, अब कौन सी कंट्री ऐसी पॉलिसी बना सकती है, थिंक अबाउट इट। वैसे ये पॉलिसी जो है, दैट्स अ रियल सोर्स ऑफ रीजनल इनस्टेबिलिटी एंड अ थ्रेट टू रीजनल पीस इन द ईस्ट एशियन रीजन। कहाँ हो रहा है ये आपको बताना था। द आंसर्स हैव बीन लॉक्ड इन एंड द राइट आंसर इज चाइना। 10,000 से ज्यादा लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। वैसे इस पॉलिसी का मतलब ये है दैट देयर वुड बी ओनली वन चाइना बट डिस्टिंक्ट चाइनीज रीजंस जो हैं, जैसे ताइवान, हांगकांग, मकाओ, दे कुड रिटेन देयर ओन इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। हां, बट होगा एक ही चाइना। 197 पीपल यूजिंग देयर लाइव्स ऑन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। 11,000 से ज्यादा लोग ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 4 आर यू रेडी, ये रहा। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का निकनेम क्या है, व्हाट एन इजी क्वेश्चन। ड्यू पॉइंट सर्कल,
foggy bottom या फिर फोर्ट लिंकन. वैसे यूएस डॉस यही है इसका मतलब. यूएस डॉस कहते हैं इसे, जिस यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, एक फेडरल एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर. बेसिकली ये इक्विवेलेंट है टू द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ अदर कंट्रीज. हाँ, और ये एस्टैब्लिश की गई थी 230 ईयर्स अगो. ओ माय गॉड. बट है क्या निकनेम, क्या है मतलब, अभी तक हमें पता था लोगों के निकनेम होते हैं, यहाँ डिपार्टमेंट्स के भी निकनेम है. द आंसर्स आर इन एंड द राइट आंसर इज फॉगी बॉटम. नॉट बैड, 9000 से ज्यादा लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया. वेरी गुड. वैसे इसका मेन ऑफिस है फॉगी बॉटम, और इसको इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि एक तो ये रिवर साइड लोकेशन पे है, जिसकी वजह से काफी फॉग एंड इंडस्ट्रियल स्मोक ऐसे मतलब एकदम डिपॉजिट हो जाता है ना, इसीलिए. 393 पीपल यूजिंग देयर लाइव्स ऑन दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन 5 में बने हुए हैं 10,000 से ज्यादा लोग आपकी स्क्रीन पे. क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा. कितने महीने पहले सुप्रीम कोर्ट बैंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोल्यूटिंग क्रैकर्स? 5 मंथ्स पहले, 4 मंथ्स पहले या 6 मंथ्स पहले? हाँ, ये आपको बताना है. ये डिसीजन वैसे लिया गया था कंसर्निंग द हेल्थ हैजार्ड्स जो इस फायर क्रैकर्स की वजह से होते हैं. और लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा मैन्युफैक्चरिंग बैन कर दी थी ऑफ पोल्यूटिंग फायर क्रैकर्स, और ऐसी रूलिंग निकाली थी कि अब सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स अलाउड होंगे विच हैव रिड्यूस्ड एमिशन. बट ये कितने महीने पहले हुआ था? बेसिकली यू टू कैलकुलेट हियर लाइक कौन से महीने में, एंड देन यू टू गो बैक. द आंसर्स आर इन एंड द राइट आंसर इज 4. Not bad. 4,000 से ज्यादा लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया. सो बेसिकली ये डिसीजन लिया गया था October 23rd को. हाँ, विच इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी या 4 मंथ्स पहले. बट ऑलमोस्ट 5,000 से ज्यादा लोग इस क्वेश्चन को गलत आंसर कर गए हैं. यानी ये बन जाता है हमारे आज के गेम का दूसरा गब्बर सवाल. गब्बर सवाल. Alright then, 2000 से ज्यादा लोगों की लाइफ यूज होती है ऑन दिस क्वेश्चन. यानी अब हम पहुंच गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 6. 7000 से ज्यादा लोग बने हुए, 24,000 पीपल वॉचिंग द गेम. क्वेश्चन 6 ऑन योर स्क्रीन ये रहा. इफ इट इज जॉन बोल्टन इन द USA, देन हु इज इट इन इंडिया? हु इज द इक्विवेलेंट? या अजीत डोवाल, सुषमा स्वराज और अनिल धस्माना. वैसे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको ये बताना चाहिए कि जॉन डोल्टन जो हैं वो हैं क्या, इनकी पोस्ट क्या है, जो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी बिकॉज दैट इज योर क्विज. अजीत डोवाल जो है वो करंटली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं एंड चीफ एडवाइजर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, स्पेशली ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी. तो क्या जॉन बोल्टन USA के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं? नेवर नो. द आंसर्स आर इन एंड द राइट आंसर इज अजीत डोवाल. ओ माय गॉड, 7,368 पीपल गेटिंग दिस वन, एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट. क्या बात है यार. जॉन बोल्टन USA के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA हैं, और इंडिया के NSA हैं अजीत डोवाल. दैट वाज द राइट आंसर. 55 पीपल यूजिंग देयर लाइव्स ऑन दिस क्वेश्चन. यानी अब हम पहुंच गए हैं टू क्वेश्चन 7, जिसका नाम होता है द एजेंट राणा सवाल. मेरे साथ खेलेंगे 24,900 से ज्यादा लोग, और अगर आपने सही जवाब दिया बिना लाइफ यूज करे तो एक फ्री लाइफ एकदम प्रदान कर दूंगी आपको. रेडी फॉर क्वेश्चन 7 ऑन योर स्क्रीन ये रहा. एजेंट राणा'स फर्स्ट स्पाइंग मिशन इन द ऑनगोइंग सेकंड सीजन वाज इन विच पाकिस्तानी सिटी? स्कार्दू, चित्रल या फिर अबोताबाद? हाँ, वैसे एजेंट राणा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एकदम सीरियलाइज्ड ग्राफिक नॉवल है जो आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया में मिलती है. एंड एजेंट राणा इज दिस सुपर हीरो हू इज ट्राइंग टू सेव द वर्ल्ड. बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है. सो व्हेन एवर यू गेट अ चांस टू रीड अप ऑन द एजेंट राणा, मेक श्योर यू रीड इट. इतना मजा आता है उसे पढ़ने में एक्चुअली. बट अभी आपको अगर इसका सही जवाब पता है तो अदर आंसर कर दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से आपको एक फ्री लाइफ मिल जाएगी. या बट आंसर्स भी लॉक इन हो गए हैं एंड द राइट आंसर इज Skardu. That's right. 5,447 people only getting this one right. Oh my God. बहुत सारे लोग अब बोटाबाद के साथ confused कर गए. That was the wrong answer. यानी ये बन जाता है हमारे आज के game का I don't believe this. तीसरा गब्बर सवाल. गब्बर सवाल. Alright, 1,615 people using their lives, but lives कितने लोगों को मिली है? 5,447. Congratulations. और अब the semi-final question on this edition of the Times of India BrainBaazi quiz on your screen ये रहा. किसी भी इंसान की पोस्ट को सोशल मीडिया पे म्यूट कर देना विदाउट देयर अवेयरनेस इज कॉल्ड डैश बैनिंग. विच बैनिंग? सीक्रेट बैनिंग, शैडो बैनिंग या प्राइवेट बैनिंग? वैसे ये होता क्या है, लेट मी जस्ट टेल यू, कि आपको अगर किसी के पोस्ट पसंद नहीं है या यू डू नॉट वांट दैट टू शो ऑन योर वॉल, तो आप उन्हें म्यूट कर दें, उन्हें नहीं पता चलेगा. इट्स लाइक म्यूटिंग अ ग्रुप ऑन व्हाट्सएप. जो आप व्हाट्सएप पे ग्रुप म्यूट कर देते हो उन लोगों को नहीं पता चलता, बट नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आती. सो यूजर्स अपना आराम से एकदम लिख सकते हैं, पोस्ट वोस्ट कर सकते हैं,
हैं आपके पास नहीं आई हो. हाँ बट इसको कहते क्या है, द आंसर्स आर इन एंड द राइट आंसर इज इट्स कॉल्ड शैडो बैनिंग. 2655 पीपल गेटिंग दिस वन एब्सोल्युटली राइट रीडिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया. वैसे इसे घोस्ट बैनिंग भी कहा जाता है अपार्ट फ्रॉम शैडो बैनिंग. 332 पीपल यूजिंग देयर लाइव्स ऑन दिस क्वेश्चन. यानी अब हम पहुंच गए हैं टू द फाइनल क्वेश्चन ऑन द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रेनबाजी क्विज. मेरे साथ खेलेंगे 2900 से ज्यादा लोग. ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन 9 ये रहा. Which of these football clubs has not been coached by Jurgen Klopp? Borussia Dortmund, Liverpool या Bayern Munich? वैसे Jurgen Klopp जिनकी बात कर रहे हैं ये एक जर्मन प्रोफेशनल फुटबॉल कोच हैं और वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स माने जाते हैं इन द वर्ल्ड. इनफैक्ट इनके इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब इनको ए लेवल सर्टिफिकेट मिल रहा था तो इनके जो हेड मास्टर हैं उन्होंने इनसे कहा कि आई होप इट वर्क्स आउट विद फुटबॉल यार, क्योंकि बाकी तुम्हारा फ्यूचर कोई खास नहीं लग रहा है मेरे को. बट सी ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर in the world. The answers are in and the right 2360 people reading up on the Times of India getting this one absolutely right. Kya baat hai yaar, 114 logon ne bilkul end waqt pe aake apni life istemal kari, matlab end tak rakhi hui thi aapne, very good. Yani this edition of the Times of India BrainBaazi quiz has 2474 winners. You guys are the stars of the show yaar. Tough questions they, but you still manage them well. Isliye aapke liye celebration to banti hai. Stars coming your way. Congratulations and celebrations. You know what you have to do every day, which is read the Times of India. देखिए अगर आप जीत गए हैं तो जीत का जश्न मनाइए. क्लिक पिक्चर, मेक वीडियोस, पुट इट ऑन सोशल मीडिया विद द हैशटैग BrainBaazi. And हमारे हैंडल्स को टैग करना, इट्स कॉल्ड बाजी नाउ. Congratulations, you win yourself 20 rupees. Lucky, absolutely lucky you were. Deepu, Jabran, ma'am, thank you so much ma'am for everything. Gaurav, Anmol, Bhabi, Jio. ओके आई नो ये आपका शायद जियो नंबर है. गोरीबुल, यो यो बॉयज, आलोकी रॉय, आर टी जी वाई, देव भी खेल रहे हैं. ओके शान, सैंडी, कंग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू आर द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रेन बाजीगर्स. अच्छा अगर आपको लग रहा है कि अब कब मौका मिलेगा टू विन मनी, गुड क्वेश्चन, क्योंकि अभी मिलेगा आपको मौका. एग्जैक्टली 9 बजे खेलेगा पोल बाजी. कल 1 बजे दोबारा से शुरू होगा दिन ब्रेन बाजी मिनी के साथ, फिर 3 बजे पोल बाजी मिनी और फिर 4:30 बजे खेलेगा बिंगो बाजी. आई एम गोना गो राइट नाउ, बट लाइक आई ऑलवेज टेल यू ऑन ब्रेन बाजी दैट कीप ब्रशिंग योर ब्रेन्स एंड कीप रीडिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि ये दोनों चीजें आप ही को हेल्प करती हैं. जाते जाते आपको सुखी सलाम. द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रेन बाजी.